सबसे पहले हम बाउल लेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे छान कर मैदा, मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, और साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, ये मोइन के लिए है। और हम रिफाइंड डालने के बाद गुनगुना पानी लेंगे, और गुनगुना पानी से हम डो बनाएंगे, ठंडा पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ गया है, और ये डो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और दूसरा तैयारी कर लेंगे। मेरे पास पुरानी चाशनी है, मैं चाशनी नहीं बनाऊंगी। अगर चाशनी बनाना होता तो मैं एक कटोरी चीनी लेती और आधा कटोरी पानी, उससे मैं एक तार वाली चाशनी बनाती। हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए, मैं इसे गर्म कर लूँगी। मेरा चाशनी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, मैदा के अंदर देसी घी हम डाल देंगे 2 चम्मच, देखिए पिघला के लिया है। और आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और देखिए मैं इस तरीके से अच्छे से मिला लूँगी, इसे पेस्ट बना लूँगी। और आप देख सकते हैं कितना ये मक्खन की जैसे हो गया है ये। अब यहाँ पर हम चकला लेंगे, चकला के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे लोई आटा को, और आटा हम अच्छे से सेट कर लिए है, आप देख सकते हैं। और इसे हम चाकू की मदद से 4-5 टुकड़े कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और छोटा बड़ा ये अपने हिसाब से बना सकते हैं लोई। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे लोई बनाया है, आप देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोल गोल बना के हाथों से और बेल लेंगे, जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम बेल लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बेल कर रेडी कर लिया है, और जो बाकी बचा है उसे भी हम इस तरीके से बेल के रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने सारे लोई को बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चकले के ऊपर रोटी को रख लेते हैं, और इसके ऊपर जो हमने पेस्ट बना के रखा है मैदा और घी का, उसे हम चारों तरफ कवर करेंगे चम्मच की मदद से, या आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा ही लगा देना है चारों तरफ से, इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से हम मैदा छिड़क देंगे, सूखा मैदा, और फिर हम दूसरा रोटी भी रख देंगे। इस तरीके से सारे प्रोसेस करेंगे। 5 रोटी है मेरे पास, 5ों पे मैंने ऐसे ही प्रोसेस किया है, आप देख सकते हैं। और मैं किनारे किनारे पानी लगा दूँगी, इस तरीके से अच्छा से चिपक जाता है और खुलने का डर नहीं लगता है। और इस तरीके से मैं रोल करूँगी टाइटली, और ढीला करेंगे तो ये खुल सकता है, इसलिए हम टाइट से रोल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोल बना दिया है बहुत अच्छा से, और किनारा पानी एक बार लगा लूँगी, और थोड़ा सा हम इस तरीके से हाथों से खींचते हुए लमरा देंगे और रोल बना देंगे एक बार। और अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से किनारे के कट कर लेते हैं दोनों तरफ के। और इसमें कट करेंगे 4 से 5, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कट कर लिया है, और इसका लेयर देखिए कितना बढ़िया आया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा डालकर इस तरीके से देखिए हाथों से प्रेस करके, और हल्का हल्का सा बेलन चला देंगे, देखिए इस तरीके से। और ये हो गया एक, और बाकी का भी इसी तरीके से हम बना लेंगे बेलन चलाकर, आप देख सकते हैं। एक और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ, देखिए एकदम हल्के हल्के हाथों से ही बेलेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन लिया है, और पैन रख दिया है गैस पर, इसमें ऑयल डाल दिया था पहले से ही, और ऑयल ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे। देखिए मैं ठंडा ऑयल में डाल रही हूँ, इस तरीके से हम ठंडा ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत करारी और क्रिस्पी बनेगा, और कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए हम ठंडा तेल में ही डालेंगे, और गैस को लो फ्लेम पर करके फ्राई करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम पलट लेंगे चम्मच की मदद से, और ऐसे ही हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे, तभी हमारा करारी और क्रिस्पी बनेगा खाजा। और यहाँ पर देखिए मैंने पलट लिया है सारे, और इसका कलर भी बहुत अच्छा से आने लगा है, और यहाँ पर कलर बहुत अच्छा से आ गया है, आप देख सकते हैं। ये फ्राई हो चुका है बहुत अच्छा से, मैंने बहुत धीरे धीरे पकाया है।
अब हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम गरम गरम चाशनी के अंदर डाल देंगे और चाशनी एकदम गरम है उसी के अंदर हम ऐसे ही डाल देंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही अलट पलट देंगे इसके अंदर। और आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसके अंदर आधा घंटा तक छोड़ दे सकते हैं। और मैं यहाँ इस तरीके से 5 मिनट के बाद निकाल लूँगी और इसका देखिए लेयर कितना बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब चलिए सर्व करते हैं। और यहाँ पर मैंने ट्रे लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और ट्रे के अंदर हम रख देंगे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है। बिल्कुल मार्केट वाला लुक आया है, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बना है। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।